नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे DLED रिजल्ट 2022 लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो दोस्तों आपको बता दें, 2021 बैच के लिए एक नोटिस जारी की गई, इस अपडेट को भी हम आपके सामने रखेंगे। जो बच्चे इस साल अभी प्रथम सेमेस्टर में, उनके लिए क्या दोस्तों नोटिस आई है उसको देखेंगे। और दोस्तों उसके बाद बात करेंगे जो हमारा स्कूटनी का रिजल्ट है वो कब तक जारी किया जाएगा, और बैक पेपर परीक्षा का फॉर्म। जी हाँ दोस्तों, देखिए अगर आप लोग बैक पेपर परीक्षा फॉर्म भरने जा रहे हैं तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि फीस कितनी है। जी हाँ दोस्तों, आपको ज़्यादा पैसे देकर नहीं आना। देखिए कम से कम आपको फीस तो पता होनी चाहिए, बाकी आपके कॉलेज वाले आपसे 2000 रुपये ले ले, 5000 ले ले, वो एक अलग बात है। लेकिन पहले हम आपको दिखा देते हैं कि जब आप लोग बैक पेपर फॉर्म भरने जाए तो आपको फीस पता होनी चाहिए कि भैया हमें पैसा कितना देना है। देखिए दोस्तों, वैसे बैक पेपर परीक्षा फॉर्म की जो फीस है हमारी वो मात्र 400 रुपये है। देख सकते हैं आप, यहाँ पर साफ साफ लिखा है परीक्षा शुल्क रुपये 400 रुपये मात्र प्रति प्रशिक्षणार्थी की दर से देय है। तो दोस्तों आपके सामने हम ये रख दिए। बाकी अगर आपके कॉलेज में जा रहे बैक पेपर के लिए आपसे 400 रुपये की जगह 500, 1000, 2000 ले ले, वो बात अलग है। ठीक है, तो पहले आपको पता होनी चाहिए आखिर फीस कितनी है। ठीक है, उसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं वेबसाइट पर द्वितीय सेमेस्टर, तृतीय और चतुर्थ सेमेस्टर, देखिए जो एग्जामिनेशन फॉर्म है वो दोस्तों भरा जा रहा है। 10 जनवरी से लेकर 17 जनवरी 2022 तक इसकी तारीख है, और आप यहाँ पर देख सकते हैं लगातार ये भरा जा रहा है। और आपको बता दें, स्कूटनी का जो फॉर्म है चतुर्थ सेमेस्टर के लिए वो भी 29 दिसंबर से लेकर 27 जनवरी तक भरा जाना है। तो ये भी दोस्तों ऑनलाइन भरा जा रहा है। तो देखिए अब आपके मन में एक सवाल होगा, अगर आपने दोस्तों चतुर्थ सेमेस्टर स्कूटनी का फॉर्म भर दिया है, जो इसका रिजल्ट है दोस्तों तो भाई आने में लेट लतीफी होगी, उससे पहले दोस्तों आपका बैक पेपर का पेपर करा लीजिएगा, मतलब बैक परीक्षा हो जाएगी। तो कुल मिला के आप देख सकते हैं कि पीएनपी की कितनी बड़ी लापरवाही है। चाहते दोस्तों तो एक हफ्ते में क्या ये स्कूटनी के लिए आवेदन नहीं ले सकते थे? आप यहाँ पर देख सकते हैं जो यहाँ पर लिखा है सबमिट स्कूटनी फॉर्म, तारीख देखिए 27 मतलब 29 दिसंबर से लेकर 27 जनवरी तक। और दोस्तों जो एग्जामिनेशन फॉर्म है वो भी सेकेंड थर्ड फोर्थ सेमेस्टर का, सिर्फ एक हफ्ते का समय मिला, 10 जनवरी से 17 जनवरी। तो पीएनपी की बड़ी लापरवाही हम आपको सामने दिखा रहे हैं कि भैया एक हफ्ते का ये फॉर्म भरा जा रहा है और यहाँ स्कूटनी के लिए एक एक महीने का समय ले रहे हैं, मतलब हर दयाल लापरवाही की, इतना ज़्यादा समय बर्बाद करते हैं ये। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, जो हमारा बैक पेपर कराया जाएगा उसकी तारीख है 9 फरवरी से लेके मतलब 18 फरवरी तक आपका पेपर की डेट आई है। और आपको दोस्तों पता है कि 10 फरवरी को उत्तर प्रदेश में चुनाव होना है। ठीक है, 10 फरवरी, जब सिंपल सी बात है 10 फरवरी को चुनाव है तो उस दिन तो पेपर हो नहीं पाएगा। तो गाइस परीक्षा की डेट सीट को आगे या पीछे किया जा सकता है, पेपर या तो ये पहले करा लेंगे या तो दोस्तों बाद में कराएंगे। तो अब देखते हैं कि नई तारीख क्या मिलती है, जो भी अपडेट आएगी अपडेट हम आपके सामने रखेंगे। लेकिन परीक्षा के दोस्तों 100% आप लोग तैयारी करते रहिए। और आपको बता दें, प्रमोट को लेकर अभी तक कोई भी ऑफिशियल अपडेट नहीं है। तो अगर आपके दोस्तों बैक लगी थी तो आप सेकेंड सेमेस्टर का बैक की भी तैयारी कर सकते हैं अगर आपकी बैक है, और उसके साथ साथ दोस्तों आपको थर्ड सेमेस्टर की भैया तैयारी करनी है। ठीक है, इस बार ये मत सोचिएगा कि सिर्फ आपका बैक पेपर होगा, उसके साथ साथ दोस्तों आपको थर्ड सेमेस्टर का पेपर देना पड़ेगा। वैसे भी आप लोग अपने कॉलेज में जाएंगे जब एग्जामिनेशन फॉर्म भरेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, उसकी चिंता नहीं है। अब यूपी टेट की दोस्तों बात करें कि कोरोना के केसेस बढ़ने क्या पेपर स्थगित हो सकता है, आपको बताना चाहेंगे 24 घंटे में हमारे देश में 1,61,000 से ज़्यादा कोरोना के नए मामले सामने आए। बाकी दोस्तों अमेरिका की बात करें तो भैया 6.5 लाख मामले 24 घंटे के अंदर। अन्य देशों का भी दोस्तों हाल बुरा है, और दूसरे नंबर पर दोस्तों हमारे देश आ रहा है 1,61,000 मामले। तो गाइस संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है, तो फिलहाल आप लोग सावधानी बरतिएगा, लापरवाही बिल्कुल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। और दोस्तों देख सकते हैं सीएम ऑफिस की तरफ से एक ट्वीट आता है, प्रदेश के सभी शासकीय या निजी कार्यालयों में आवश्यक सेवाओं के अलावा एक समय में 50% कार्मिकों की भौतिक उपस्थिति की व्यवस्था लागू की जाए। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं कि कोरोना काल है और नई नई अपडेट्स आनी शुरू हो चुकी हैं। आवश्यकता अनुसार वर्क फ्रॉम होम संस्कृति को प्रोत्साहित किया जाए। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये एक बड़ी अपडेट हम आपके सामने रख रहे हैं। और डीएलएड छात्रों के लिए, जी हाँ दोस्तों, जो बच्चे 2021 बैच के हैं उनके लिए भी एक नोटिस आई है। अब दोस्तों नोटिस क्या है, कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण के दृष्टिगत राजकीय या निजी डीएलएड संस्थानों में कक्षा संचालन के संबंध में दिशा निर्देश जारी किया गया है। उपयुक्त विषय का अवगत कराने की शासन के आदेश संख्या दोस्तों ये दिनांक 8 जनवरी 2021 द्वारा कोविड-19 संक्रमण के दृष्टिगत प्रदेश स्थित उच्च शिक्षा विभाग के अधीन समस्त राज्य या निजी विश्वविद्यालयों एवं उच्च शिक्षा संस्थान भौतिक रूप से दिनांक
10 जनवरी से लेकर 16 जनवरी 2022 तक बंद रखने तथा पठन पाठन ऑनलाइन संचालित किए जाने के आदेश निर्गत किए गए। तो मतलब अगर आप लोग दोस्तों डाइट में पढ़ते हैं, प्राइवेट स्कूल में है, ठीक है, तो भैया आपका डीएलएड में भी छुट्टी हो गई है, आप लोग घर से पढ़ेंगे ऑनलाइन माध्यम से। अब देखिए दोस्तों, हो सकता है कि इसकी भैया डेट को आगे बढ़ा दिया जाए, क्योंकि कोरोना की वजह से अगर छुट्टी हुई है तो कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, घट नहीं रहे। 1,61,000 कल दोस्तों हमने दिखाया था, 1,80,000 मामले एक दिन में लगभग सामने आए। सोचिए लगातार 1.5 लाख से ज्यादा कोरोना के नए मामले रोज आ रहे हैं, तो अब दिक्कत वाली बात है ये। उसके बाद दोस्तों जो भी अपडेट आएगा ऑफिशियल, वो अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल आप लोग परेशान मत होइए। और देखिए नई शिक्षक भर्ती को लेकर क्या अपडेट है, वो भी हम आपके सामने रख देते हैं। पहले ये अपडेट आ रही है दोस्तों, देखिए निर्वाचन आयोग से अपील की गई है, प्राथमिक शिक्षक भर्ती से लेकर इन रिक्त पदों पर भर्ती की मिले इजाजत। युवा मंच संयोजक राजेश सचान ने निर्वाचन आयोग को ट्विटर व ईमेल के माध्यम से पत्र प्रेषित कर प्रदेश में रिक्त पदों पर चयन प्रक्रिया विज्ञापन की रूटीन कार्रवाई को न रोकने संबंधित दिशा निर्देश जारी करने का अनुरोध किया है। पत्र में कहा गया है कि प्रदेश में 5 लाख से ज्यादा रिक्त पद हैं, जो कि 10 को पहले सृजित किए गए थे। सरकार ने 97,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती, 27,000 टीजीटी पीजीटी, 12,000 एलटी, 52,000 पुलिस समूह ग के, 40,000 बीपीएड के, 48,000 पदों पर चयन प्रक्रिया शुरू करने की घोषणा की थी। पत्र में अनुरोध किया गया है कि अगर इन प्रस्तावित भर्तियों की चयन प्रक्रिया को सुचारू तौर पर जारी करने संबंधी दिशा निर्देश चुनाव आयोग की से मतलब सरकार व चयन संस्थाओं को प्राप्त हो जाए, तो इन रिक्त पदों को भरने में और ज्यादा देरी से बचा जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, मतलब लेट लतीफी से बचा जा सकता है। 69,000 शिक्षक भर्ती की क्या अपडेट है, 69,000 शिक्षक भर्ती में नहीं हुआ आवंटन, ओबीसी वर्ग के 6,000 अभ्यर्थी कर रहे हैं इंतजार। वैसे दोस्तों संख्या बता दें 6,800 हो गई, ठीक है, 800 संख्या बढ़ गई थी। तो फिलहाल दोस्तों देखते हैं क्या अपडेट आती है। आचार संहिता लागू है, जो भी अपडेट है भैया सरकारी को सब कुछ अब करना है, ठीक है। उसके बाद कुछ और अपडेट में हम बात करेंगे, डीएलएड स्कूटनी रिजल्ट। जी हाँ दोस्तों, डीएलएड स्कूटनी रिजल्ट को लेकर क्या अपडेट है, कब तक जारी हो सकता है। देखिए हमारा जो प्रथम सेमेस्टर स्कूटनी का रिजल्ट है, द्वितीय तृतीय, फिलहाल दोस्तों चतुर्थ सेमेस्टर के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया लगातार जारी है। अब देखिए उम्मीद है दोस्तों कि जब हमारा बैक पेपर होगा उससे पहले स्कूटनी रिजल्ट आ जाना चाहिए। बैक पेपर तो अगले महीने में 9 फरवरी डेट है, उससे पहले शुरू नहीं होगा, मात्र 2 सेकंड में डाउनलोड करें रिजल्ट। अगर अभी तक आपने अपना प्रमोट का रिजल्ट या डीएलएड में किसी भी सेमेस्टर का रिजल्ट डाउनलोड नहीं किया तो उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। एक बात और है दोस्तों, आप डीएलएड के भैया सभी सेमेस्टर का रिजल्ट डाउनलोड करके रख लीजिए, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, स्पेशली डीएलएड 2019 बैच के छात्रों के लिए। गाइस कभी कभी क्या होता है, ये वेबसाइट पर रिजल्ट हट जाता है या खुलने में दिक्कत आती है, तो कम से कम दोस्तों आपके पास अगर ऑनलाइन रिजल्ट रहेगा तो बढ़िया रहेगा। जैसा कि आपने देखा होगा, जो आपका सेकंड सेमेस्टर का रिजल्ट था और जो फर्स्ट सेमेस्टर का प्रमोट रिजल्ट है उसमें कुछ नंबर कम ज्यादा है। वैसे दोस्तों जैसे हमारा फोर्थ सेमेस्टर का रिजल्ट था और जो हमारा थर्ड सेमेस्टर का प्रमोट रिजल्ट है उसमें नंबर कम या ज्यादा है, इसीलिए हम आपसे कहने कि आप लोग अपना रिजल्ट डाउनलोड करके रखे रहिए, नहीं तो फिर बाद में आप परेशान हो जाएंगे, क्योंकि जब सुपर टेट के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया होगी तो वहां पर आपके डीएलएड के नंबर मांगे जाएंगे, ठीक है, जो हमारी मेरिट बनती है ना। याद रखिएगा गाइस एक सबसे इम्पोर्टेंट बात, आज लिख लीजिए कि हाई स्कूल के जो नंबर होते हैं, इंटर के नंबर होते हैं, ग्रेजुएशन के नंबर होते हैं या डीएलएड या बीएड के, कभी भी ऑनलाइन फॉर्म भरते समय एक भी नंबर, अगर आपके हाई स्कूल में दोस्तों 400 नंबर है तो गलती से अगर आपने जल्दबाजी में 401 नंबर डाल दिया तो पूरा फॉर्म गलत हो जाएगा, क्योंकि मेरिट बेस पर दोस्तों यहाँ पर आपको नौकरी मिलती है। गलती से एक नंबर आपने ज्यादा डाल दिया तो समझ लीजिए कि आपका चयन निरस्त हो जाएगा, आप चाहे हाई कोर्ट चले जाइए चाहे जहां चले जाइए, ठीक है, क्योंकि दोस्तों वहां पर यह माना जाएगा कि आपने जानबूझकर नंबर बढ़ा दिया और आप नौकरी के लालच में थे। हाँ ये हो सकता है कि आपके 400 नंबर थे, गलती से दोस्तों अगर आपने 300 नंबर डाला और उसके बाद भी आपका भैया मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता तो हो सकता है कि आपको नौकरी मिल जाए, क्योंकि आपने मेरिट लिस्ट को प्रभावित नहीं किया, ज्यादा नंबर थे कम डाला चल जाएगा, लेकिन कम नंबर था एक नंबर ज्यादा डाल दिया तो फिर नहीं चल पाएगा, इस बात को जरा ध्यान रखिएगा। हजारों बच्चे गलतियां कर जाते हैं और आप लोग जब अपना ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने जाए साइबर कैफे पर ही जाएंगे और बाद में जब फॉर्म भर जाए प्रिंट आउट निकल जाए फाइनल, तो एक एक चीज मिला लीजिएगा। 69,000 शिक्षक भर्ती में दोस्तों बच्चे बहुत दिन से परेशान है, शिक्षा मित्र थे उन्होंने शिक्षा मित्र ही नहीं सो किया, उनको भरा ही नहीं मिल पाया। तो गाइस ये छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं और उम्मीद करेंगे कि आपसे ये सब गलती ना होने पाए, ठीक है, तो सीखिए अपने सीनियर की गलतियों से, नहीं तो फिर आप भी धरना देते रहेंगे और कुछ भी नहीं होगा।
हो सकता है तब दोस्तों जब आपके नंबर ज्यादा थे कम डाल दिए तब हो सकता है, लेकिन अगर आपके नंबर कम थे एक नंबर ज्यादा डाल दिया तो कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि अलग अलग अपील की गई है, और उसके बाद आप देख सकते हैं 50% कार्मिकों के साथ ही अब होगा काम। तो ये दोस्तों अलग अलग अपडेट आ रही है COVID-19 को लेकर। एक बात और आपको बता दें, यूपी टेट का पेपर हमारा 23 जनवरी को है, और यूपी टेट का एडमिट कार्ड अब किसी भी वक्त जारी किया जा सकता है। तो हमने इसीलिए आप लोगों के लिए कमेंट बॉक्स में लिंक दे दिया है। जी हाँ दोस्तों, जैसे एडमिट कार्ड डाउनलोड हो मतलब जारी हो, सबसे पहले आप डाउनलोड कर लें। उससे फायदा ये होगा आपको कम से कम सेंटर पता चल जाएगा कि आपका सेंटर गया कहाँ पर है, अगर आपका सेंटर दूर गया है तो वो भी पता चलेगा। और सरकार ने एक वादा किया था कि आपके लिए फ्री बसेस का इंतजाम किया जाएगा। अब देखने वाली बात होगी कि भैया क्या सरकार अपने वादे पर कायम रहती है कि आपको अपना पैसा खर्च करके जाना पड़ेगा सेंटर तक। जो भी दोस्तों ऑफिशियल अपडेट आएगी उस अपडेट को हम आप तक पहुंचाएंगे, ठीक है। बाकी एग्जामिनेशन फॉर्म भरने जाए तो भैया फीस हम आपको बता दिए हैं, बाकी आपके कॉलेज वाले वैसे हमको पता ही है, नंबर पैसा तो ज़्यादा ही लेंगे, लेकिन कम से कम पता तो होना चाहिए ना कि फ़ीस कितनी है, नहीं तो बाद में ये हो कि लगे कि यार हमको तो फीस ही नहीं पता थी, हो सकता है कि 2000 फीस हो। कुछ बच्चों को तो ऐसा ही लगता है कि उनको फीस पता ही नहीं है। बाकी जो भी हमारी अपडेट निकल कर आएगी उस अपडेट को आपके सामने पहुंचाते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, कमेंट बॉक्स में लिंक है जहाँ से आप लोग अपना रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं, DLED बैक पेपर की डेट शीट डाउनलोड कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हमने लिंक दे दिया है, उससे आप लोग लगातार चेक करते रहिए, लेटेस्ट अपडेट देखते रहिए। 21 बैच के लिए भैया बड़ी खुशखबरी है कि अब आप लोग घर बैठे पढ़ाई करिए ऑनलाइन, ठीक है, थोड़ी सी राहत मिली होगी डाइट के छात्रों को जो रोज कॉलेज जाते होंगे। फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड, हैव अ नाइस डे।